कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं जो आप नाच रहे हो अभी? कुड। कुड बोल। कैसा लगता है डांस करके? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं आपको पता है इसको क्या कहते हैं जो नाच रही हैं आप? कुड। कुड। मैं देदरी नव दुर्गा मंदिर के पास हूँ और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं और ये चारों तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राचीन काल से जो चलता आ रहा भद्रवाही कल्चर है उसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं ये लोग। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो आज भी, ये जो आप डांस देख रहे हैं इस डांस को कहा जाता है ढिक्कू डांस, जहाँ पर एक सर्कल में जो है वो डांस किया जाता है। ये देखिए आगे आगे महिलाएं हैं, उसके पीछे पुरुष है, यानी कि दो सर्कल जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और इसमें नाचा जा रहा है, डांस किया जा रहा है। ये देखिए ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो देदनी नव दुर्गा मंदिर पे आए हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं इन्होंने यहाँ पर मांगी हैं। इनसे हम बात भी करेंगे कुछ लोगों के सीखी आखिरकार ये कब से यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक जो है वो माता ने इनके बारे में क्या क्या सुना है। क्या क्या नाम हुआ आपका? सोनाली मन्हास। कहाँ से हैं सोनाली? मैं यहीं से हूँ, हम्बल से। हम्बल से हो? पहली बार आए हो? उससे पहले भी आते? नहीं, मैं आती रहती हूँ। हर साल आते हो? कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं जो आप नाच रहे हो अभी? कुड। कुड बोलते हैं इसको? हाँ जी। इसको ढिक्कू डांस भी बोला जाता है? हाँ जी, ये भद्रवाही में ढिक्कू डांस बोलते हैं इसको। कैसा लगता है इसको नाच के? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये है युवा आज का युवा है, अच्छा लगता है कि अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को जो है वो हम आज भी जिंदा जो है रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिल्पा भगत। कहाँ से हैं शिल्पा जी? परियो डोडा। कैसा लगता है डांस करके? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं आपको पता है इसको क्या कहते हैं जो नाच रही हैं आप? कोट। कोट। हाँ। कोट बोलते हैं इसको? हाँ। पहली बार आए हो? नहीं, इससे पहले भी आए हो जी। और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर, ये देखिए ये जो है ना, ये जो है इसे कहा जाता है ढांस और ये पंसरी यहाँ पर है। जब तक यहाँ पर ये सब नहीं होगा तब तक इस डांस को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? सुधीर कुमार। कहाँ से हैं? सोवा से। सोवा से हैं? हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कैसा लगता है आप ये बजाते हो और ये पूरा क्राउड नाचता है? पूरा नाचता है, पूरा नाचता है। कैसा लगता है? बहुत मेल आता है, जबरदस्त मेल आता है। अच्छा लगता है। देखिए ये वो लोग हैं जो इसको बजाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और फिर तमाम लोग जो है वो नाचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं नाम शंकर लाल। कहाँ से हैं शंकर जी? मैं सोहा से। हर साल आते हैं? हर साल मैं कोट लगाता हूँ यहाँ पर आकर। अच्छा। हर साल मैं यहाँ पर आकर कोट लगाता हूँ, मेला और दुनियादारी नाचती है। कैसा लगता है? हर साल लगता है। कैसा लगता है जब आप ये बजाते हैं तो सब नाचते हैं? हमारा दादाजी जो था उसका नाम सुंदर था जी। उसके बाद मेरे बाप का नाम देवीचंद था, उसके बाद हम ये नाम रतलाल है। अच्छा। हम ये माता की सेवा करने के लिए उम्र भर तक आते हैं, पहले के आते रहते हैं। माता ने हमें दिया है सब कुछ। सब कुछ दिया है? सब कुछ दिया है। देखिए अच्छी बात है कि माता ने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आप आगे गए, हम आपके पीछे। बिल्कुल। देखिए माता ने सब कुछ दिया है। ये दिखाइए, ये भीड़ दिखाइए यहाँ पर, ये भीड़ दिखाइए। देखिए ये भीड़ इस बात का सबूत है कि मेला यहाँ पर शुरू हुआ और अब जाकर जो है ये अंत में जो अंतिम पड़ाव आता है मेले का, इस मेले में जो है जब अंतिम पड़ाव आता है तो तब ये कोट लगाया जाता है और उस समय जो है ये कोट जो है वो जब लगता है ये, और तमाम लोग जो है वो दिल से, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो दिल से जो है वो यहाँ पर नाचते हैं और माता का धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ लोगों से भी और बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राधुर। कहाँ से हैं? हम बनान से, रोड बनान। बनान से हैं? हाँ। हर साल आते हैं? हाँ, नहीं इसी साल आए, पहली बार आए। पहली बार आ रहे हैं? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है आके। अच्छा लगता है। हाँ। जो ये डांस कर रहे हो आप इसको क्या बोला जाता है? ये कोटा है हमारा, देसी कोटा है। देसी कोटा है? हाँ। तो देखिए अच्छी बात है कि युवाओं को जो है वो इसके बारे में पता है कि किस प्रकार से आप वो यहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करना है और ये भद्रवाही कल्चर है आपको मैं बताऊं। और अगर टूरिज्म विभाग इस समय हमें देख रहा है तो उनसे ये निवेदन रहेगा कि कम से कम इस कोड को जो है वो प्रमोट किया जाए।
यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, इससे बात करते हैं। थोड़ा करीब आइए। क्या नाम है बेटा आपका? ईशा। कहाँ से है? आइए आइए, आप गोद में आ जाइए मेरी। मम्मी यहीं पे है। बोलो बोलो, क्या नाम है? ईशा। कहाँ से हो? परियोज से। परियोज से हो? आप पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार आए हो? इससे पहले भी आए हो? पहले भी आए हो? किसके साथ आए हो? हैं? अच्छा, आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा, अच्छा लग रहा है। चलो जाओ फिर। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी है यहाँ पर रो रही है। अच्छी बात है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है वो हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। ये भद्रवाही कल्चर है और इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा करीब आइए। क्या नाम हुआ आपका? जीविका। जीविका, क्या करते हो आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? सेवन्थ में। पहली बार आई हो? इससे पहले भी आयो? पहले भी आती हूँ। सेकंड में हो आप? अच्छा, सेवन्थ में हो। कितनी बार आयो पहले? बहुत बार आयो। कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है? थोड़ा इधर आइए। हाँ, अच्छा लगता है आपको? जी। माता के दर्शन हो गए? हाँ जी। कैसे हुए? बहुत अच्छे। अच्छे हुए? अच्छे दर्शन हुए हैं जी। हर साल आते हो यहाँ पर? किसके साथ आते हो? बहनों के साथ आते हो। अच्छी बात है। भाई के साथ आइए, बहन के साथ आइए। क्या नाम है? जी मेरा नाम नितिन ठाकुर है। कहाँ से? जी मैं सरसी से हूँ। सरसी से? हाँ जी। हर बार आते हैं? पहली बार आ रहे? जी हर बार आता हूँ। हर बार आते हो? हर बार आता हूँ। कैसा लगता है यहाँ पे आके? जी बहुत अच्छा लगता है, हमें यहाँ आके माता रानी के दर्शन हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा, तो ये जो आप डांस कर रहे हैं क्या कहते हैं इसको? इसको हमारी भाषा भद्रवाही में कोट कहते हैं। कोट कहते हैं इसको? बोलते हैं डिक्कू डांस कोट। तो ये है हमारा भद्रवाही कल्चर। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, पुरुष यहाँ पर हैं, फुल मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि माता रानी जो है वो इसी प्रकार से इनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती रहे। आप लोग देख रहे हैं स्टेट टॉक्स। मुझे नहीं देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।